भारतीय संस्कृति में पर्व यानी उत्सव समाज की जड़ता और ठहराव को तोड़ने का काम तो करते ही हैं, साथ ही मनुष्य की चेतना को भी विकसित करते हैं। कुंभ ऐसा ही महापर्व है, यानी पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों का सबसे बड़ा पर्व और दुनिया का सबसे बड़ा जल मेला, जिसमें श्रद्धालुओं का जनसैलाब अपने आप बढ़ता जा रहा है। लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं और जा रहे हैं, फिर भी दिल रखने की जगह नहीं। संतों और श्रद्धालुओं की इस भीड़ का सबब बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मर्म समझना बहुत आसान है। और ये नहीं है कि हाँ मेले में आए, हमने सीन देखा, दृश्य देखा, नहाए और चले गए। यहाँ मात्र मेला इसलिए लगता है, नहान इसलिए लगता है, स्नान होता है कि हमें अमृत तत्व की शोध मिल जाए, जो कि अपनी मुक्ति को मोक्ष के दरवाजे पर बना लें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक संवारा। कुंभ यानी आस्था का ये महापर्व जो पूरी तरह अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय है, ये पर्व अपनी गौरवशाली परंपरा का लंबा इतिहास समेटे है। आस्था के महासैलाब में पुण्य की डुबकी लगाने का योग किसी के जीवन की पहली घटना है, तो किसी के जीवन का ये अंतिम योग होता है। फिर भी न जाने क्यों जाति, धर्म, अमीर गरीब, ऊंच नीच के भेदभाव को पीछे छोड़कर हर कोई खिंचा चला आ रहा है संगम की रेती की ओर। ना कोई बुलावा, ना कोई आह्वान, ना कोई घोषणा, ना ही कोई प्रचार, बस पंचांग के एक कोने में कुंभ या महाकुंभ के अंकित होने के आधार पर ही इस जन समुद्र का जुटना समूची दुनिया को आश्चर्य में तो डालता ही है, साथ ही मनुष्य द्वारा जमीन पर खींची राष्ट्रों की सरहदों को भी खत्म कर देता है। Many years ago, I was looking in the Kumbh dates and I discovered that my 60th birthday was the day of the full moon of the Paush Paumina. So I convinced my wife to come here to celebrate. This is my second visit. My first visit was with my wife and my daughter in 1998. My daughter was 11 years old and she was very affected by the visit to India, and she came back when she was 18 to do some volunteer work for Vandana Shiva in the Bija Vidyapith school and farm. And then she came back again last year with her boyfriend and they decided to get married. This is my first time in India. I came for 1 month. I always want to come to India. And that was just the right time to do it. And then I found that this event was going to be held here, the Kumbh Mela. And I thought that, I feel that I had to come here. This is something that probably I will not have the chance to do once again in my life. So I really didn't want to miss this experience, and I'm really enjoying this. I didn't plan to do that, absolutely no. Well, I'm coming from New Delhi. I went to Banarasi, Allahabad yesterday. I'm going to stay here 2 more days and then I will visit Rajasthan, and maybe if I have some time I will go south of India. I know I didn't have the chance yet, but I will come back tomorrow and I hope I will take the bath. कहते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में नदियों का बड़ा योगदान है, या कहें कि मनुष्य ने जब होश संभाला तो नदी ही उसके जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी संगिनी बनी। इसलिए आज भी भारतीय जनमानस साल में कई बार किसी न किसी पर्व के बहाने अपनी अपनी नदियों के तट पर जुटता है। भारतीय संस्कृति की अलौकिक और अद्भुत परंपरा रही है अनेकता में एकता, जिसके मूल में है उसकी सनातनी आस्था, और कुंभ पर्व है उसी आस्था का प्रतीक। यही आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है एक विरासत के रूप में। कुंभ पर्व बनता है इसी आस्था का मूक गवाह,
क्योंकि आस्था के मूल में छिपा होता है अर्पण, तर्पण और समर्पण। यहां ना कोई राजा है और ना ही कोई रंक, ना शत्रु। राग द्वेष को भुलाकर कुंभ महास्नान में व्यक्ति और समाज एकाकार होते हैं। इसलिए अपनी झूठी शान, अहंकार और श्रेष्ठता बोध को अपने समाज के सामने प्रवाहित करने का पर्व भी माना जाता है कुंभ को। कभी कभी तो लगता है कि समूची दुनिया की रचना में कोई भिन्नता थी ही नहीं। I'm with a group of 11 fellow travelers, and we're here with a company called Wild Frontiers, and we're having a wonderful adventure. And the main reason for coming here was to come to Allahabad for Kumbh Mela. And this has been a fascinating experience. The vibrancy, the color, the sense of anticipation, and this has been a very moving experience for all of us. I wish you all a very happy Kumbh Mela as we carry on our journey in a rowing boat down the Ganges to Varanasi. Think about it. No, I did not take a dip today. I should have because I have a very bad cold and it would probably have been the best thing for me to do. But thank you for your hospitality and your generosity and your colour. It's great to be here. Ad sub din hai. Danyabad, danyabad, danyabad. Firmalengi. कुंभ नगरी का तापमान करीब शून्य के इर्द गिर्द है, लेकिन एकमात्र सहारा आस्था की वो ऊष्मा है जो भारतीय जनमानस के जीवन को गति प्रदान करती है। कुंभ महापर्व का उल्लेख गर्ग संहिता, वेदों, पुराणों और अथर्ववेद में भी मिलता है। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ अलग अलग खगोलीय घटनाओं पर आधारित हैं, लेकिन महाकुंभ ऑक्सीजन प्रधान पिंड बृहस्पति के शुक्र में प्रवेश करने तथा सूर्य और चंद्रमा का शनि की मकर राशि में प्रवेश इलाहाबाद में प्रभाव बिंदु बनता है। यही वो तिथि है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, जो शुभ माना जाता है। ये एक विलक्षण संयोग है। जीवन वर्धक और रचनात्मक शक्तियों पर नकारात्मक तत्वों के दुष्प्रभाव को रोकने की कोशिश के लिए एकजुट होने की परिपाटी ही कुंभ है। अर्थात ध्यान, स्नान और भुवन भास्कर को प्रणाम, यानी पहले परम का ध्यान, फिर स्नान और फिर पूरब की ओर से लालिमा लेकर उदित हुए भुवन भास्कर को प्रणाम। इलाहाबाद के संगम तट पर मनुष्य ही नहीं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का भी मिलन होता है, जिससे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जीवंत हो उठती हैं। कुंभ खगोलीय घटना का एक ऐसा चिर प्रतीक्षित संयोग है कि श्रद्धालु चले आ रहे हैं। ब्रह्मवेला में चैतन्य हो गए संगम तट पर साधकों से लेकर आगंतुकों तक की उमड़ी भीड़ भी खुद को धन्य समझ रही है। मंथर गति से बह रही त्रिवेणी मानो इन सभी का आह्वान कर रही है। ऐसा लगता है कि मानो सारी मानवता पुण्य पर्व के स्नान से पहले ही अपने कर्म फल भगवत कृपा से अभी ही संचित कर लेना चाहती है। भारतीय आध्यात्म की अनुपम परंपरा की प्रतीक कुंभ नगरी में अलग अलग दुनिया बसी हुई हैं। एक दुनिया उन अखाड़ों की है जिनके लिए स्नान उत्सव सरीखा है। दूसरी दुनिया उन आश्रमों में है जहां संतों के प्रति श्रद्धा का भाव असीम तक जाता है। शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया भारतीय सांस्कृतिक अवधारणा की कायल रही है। Thank you.
सामाजिक समरसता और श्रद्धा का ऐसा संगम शायद ही पृथ्वी के किसी कोने में देखने को मिलता हो, जैसा भारत की पावन धरा कुंभ नगरी में मिलता है, जहां देशी संत के आगे विदेशी श्रद्धालु नतमस्तक हैं। हमारी जीवन शैली में हवन और यज्ञ का जीवन और मरण दोनों से गहरा संबंध है। आश्रमों में सतत होते हवन, यज्ञ और ध्यान विश्वास की इसी परंपरा के वाहक हैं। हवन और यज्ञ से जहां पर्यावरण की शुद्धि होती है, वहीं मन में शुचिता का भी विकास होता है। ध्यान मन के विचलन पर काबू कर मनुष्य को एकाग्र चित्त कर उसे जीवन की फिसलन से बचाता है। कितने ही विदेशी श्रद्धालु भारतीय आध्यात्म की इस गहराई में डूब कर आत्मविभोर हो इसे नजदीक से अनुभव कर लेना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया भारतीय सांस्कृतिक अवधारणा की इसी विशेषता की कायल रही है, जो हमें विश्व गुरु होने का दर्जा प्रदान करती है। हवन, यज्ञ, ध्यान हमारी पूजा पद्धति की आम बात है, वहीं विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ये अनुभव किसी आश्चर्य से कम नहीं। आनंद की गंगा में डुबकी लगाकर किसी प्रकार ये भी असीम से नाता जोड़कर जीवन के एक ही लम्हे को सार्थक करना चाहते हैं। ज्ञान का अधकचरापन चाहे जितने सवाल खड़े करे, लेकिन यहाँ हर परंपरा का स्पष्ट अर्थ है। जैसा कि संतों के ललाट पर लगा ये तिलक इनके परमात्मा से संबंध को परिभाषित करता है, और आंखों का ये तेज उनकी भक्ति की लालिमा बिखेरता है। संतों की सादगी और ईश्वर के प्रति श्रद्धा आस्था की धरा को और मजबूत करते हैं। हर पल जागृत कुंभ नगरी का जर्रा जर्रा जीवंतता के हिंडोले पर सवार पुण्य की एक डुबकी लगाने को बेकरार है। क्या नर क्या नारी सभी को ब्रह्म बेला में डुबकी लगाने की व्याग्रता है। पुष्प, अक्षत, दीप और नैवेद्य लेकर आगत पहुंचते हैं तो आध्यात्मिक संपदा का जखीरा लेकर साधक भी पहुंचते हैं। आस्था और विश्वास की ऐसी पौराणिक परंपराएं ही भारतीय जनमानस को एक सूत्र में पिरोती हैं। Well, I came here 12 years ago in 2001 and I was here and I was very profoundly moved by the faith of the people that come as pilgrims from so far away, carrying their burdens, their luggage, some children going through so much hardships to come as an act of faith and come here, bathe in the sacred water. Mahakumbh, Prayag only, the Sangam here in Prayag, number one. Well, they're all holy places. I've had the good fortune to be a student of Kriya Babaji Nagaraj and Yogi R. Ramaya from Tamil Nadu. And my teacher Yogi R. told me, you must go to the Kumbh. You're going to practice this kind of yoga. You have to go and be with the Babas, do some learning. Also distribute some things for the poor people. I'm really honored to be here with all of these people and everybody, and I feel very welcome and at home, and
it's almost sad to leave a little bit, you know? The Indian government has the place much better organized. It's much more open space. Good flowing crowd control is very good. The attitude of the people, so many people coming with so much faith, that is the same, and that's why I come to Qum, so I'm happy about that. Kumbh Nagari ek aisi pavan bhoomi hai jahan dharm aur sant ek saath dikhai padte hain. Pure sharir par bhabut male अपनी ही दुनिया में खोए नागा बाबा सदैव ही लोगों की उत्सुकता और कौतूहल का विषय रहे हैं. इन बाबाओं का दिगंबर स्वरूप जीवन के सत्य और परित्याग का प्रतिबिंब माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि सत्य का वास्तविक स्वरूप भी सदैव नग्न होता है. मान्यता है कि जो सन्यासी संगम पर पड़ने वाले कुंभ में अपना तथा परिजनों का पिंड दान कर विरक्त जीवन जीने और धर्म रक्षा का प्रण करते हैं, वे राजयोगी नागा होते हैं, जिनकी उपस्थिति कुंभ की एक ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा है. घरों में चूल्हा झोंकती और मन में कितनी ही पीड़ा सहेजे देश के दूर दराज इलाकों से आई महिलाएं, जिन्होंने शायद कभी जीवन में कोई पाप ना किया हो, आज वे भी मोक्ष की लालसा में संगम तट पर जुटी हैं. अपनी अपनी रीति और लोक परंपराओं के अनुसार ये महिला श्रद्धालु अन्न पूजन कर गंगा को भोग लगाने को आतुर हैं. हमारी जीवन शैली और कृषि परंपराओं में अन्न को पूजनीय माना जाता है. लोक रीति और भाषा की विविधता होते हुए भी आस्था सबको उसी एक घाट ले जाती है जहां समूचा विश्व एकजुट है. मन में मुराद और जुबां पर गंगा मैया की महिमा, दोनों एक ही वेग से बह रहे हैं. गंगा मैया करुणा मई है, दुख दलित दूर करने वाली है, पाप नाशनी गंगा मैया है. इसलिए हम लोग गंगा माँ का पूजा करते हैं. गंग भंग तो बहन है, बहते सिंधु के तीर, जिंदा तारण गंग है, मुर्दा तारण भंग. Thank you.
छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पुण्य पाप का भेद नहीं मालूम, किंतु वे भी कौतूहल से लबरेज हैं। आखिर मन की कौन सी तरंग जीवन को उद्वेलित कर देती है कि वो खिंचा सा चला आता है? अस्मिता की पहचान या खुद से जुड़ने की लालसा या फिर आस्था? जो भी हो, आस्था का ये जन सैलाब धर्म के महीन धागों में जाने अनजाने बंधा हुआ है। महाकुंभ का आयोजन देश की गहरी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा स्पष्टीकरण है, जिसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। इसमें शामिल होना है तो संगम में डुबकी लगाइए, अन्यथा दूर खड़े होकर दांतों तले उंगली दबाइए, क्योंकि रोशनी के इस नए शहर में आस्था कह रही है, कुंभ में बेगाने रहकर अपने देश से संवाद संभव नहीं। इसलिए भी क्योंकि ये पर्व आदमी और नदी के बीच अंतर्निहित संबंधों की भी व्याख्या करता है। इस मायने में कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं रह जाता और इलाहाबाद सिर्फ एक शहर नहीं रह जाता। Gama pa gama.